दोस्तों, अगर आपने अपना खाता इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर खुलवा रखा है और आप जो है अपनी ओवरसीज बैंक में यानी कि आप जो है अपने खाते के साथ में डीबीटी को एनपीसीआई को लिंक करना चाहते हो, आप अपना आधार सीडिंग स्टेटस चेक करते हो तो वहां पर इनएक्टिव आ रहा है। अगर इनएक्टिव आ रहा है, आप उसको एक्टिव करना चाहते हो, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा ऑनलाइन इसका प्रोसेस। इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर आप ऑनलाइन अपने घर बैठे अपने मोबाइल से क्या करेंगे, कैसे करेंगे, एनपीसीआई को कैसे लिंक करेंगे, डीबीटी को कैसे लिंक करेंगे और जो आपका आधार सेडिंग स्टेटस है उसको कैसे एक्टिव करेंगे, सब कुछ इस वीडियो से आपको पता लगने वाला है। वीडियो को स्किप करके ना देखें, एंड तक देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद एसएस यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है इस वाली साइट पर आना है जो यहाँ पर मैंने ओपन कर रखी है। इस साइट का जो नाम है, जो आप गूगल में जा कर के सर्च में लिखोगे, वो है npci.org.in। ये आप सर्च करेंगे, इस वाली साइट पर आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कंज्यूमर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो नीचे में कुछ ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे, जिसमें यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा भारत आधार सेडिंग, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है कि आपको कैसे कैसे करना है, अपनी जो है डीबीटी को लिंक कैसे करना है अपने बैंक अकाउंट के अंदर। तो यहाँ से जो है आप जो है सबसे पहले अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पर एरो का निशान बता रहा है, इस वाले ऑप्शन पे एंटर करना है। उसके बाद में सीडिंग का ऑप्शन है, इस पर टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ फ्रेश सीडिंग, इस पर भी टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट बैंक के अंदर जो है आप जो है यहाँ पर सर्च करेंगे अपना बैंक, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में। तो यहाँ पर ये बैंक शो हो गया है, इसका नाम यहाँ पर से अब यहाँ पर इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक आ गया है। अब यहाँ पर ये दो ऑप्शन नीचे में और दिखाई देंगे आपको अकाउंट नंबर डालने के। आपकी पासबुक पे आपका अकाउंट नंबर होगा, वो यहाँ पर एंटर करना है। उसी के ठीक सामने वही अकाउंट नंबर फिर से एंटर कर देना है अगेन। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये टिक लगा देना है। उसके बाद में यहाँ पर भी टिक लगा देना है और नीचे आना है। और ये जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे एंटर अबाउ कैप्चा के अंदर यहाँ पर ये इसको फिल कर देना है, भर देना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज आएगा, जिसमें वहाँ पर आपको ओके करने के लिए बोला जाएगा, आपको ओके कर देना है। उसके बाद में जो है जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर आपके बैंक के साथ में आधार के साथ में है, उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको डालना होगा, सबमिट करना होगा। उसके बाद में आपकी स्क्रीन पर एक लोडिंग एक प्रोसेसिंग चलेगी। प्रोसेसिंग जैसे ही चलेगी तो आपको वहाँ पर बैक नहीं करना है, उस प्रोसेसिंग को पूरी होने देना है, 1 से 2 मिनट लगती है। जैसे ही वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद में आपके सामने एक मैसेज आएगा पॉपअप पे, उसमें लिखा हुआ आएगा सक्सेस। तो जैसे ही आपके सामने सक्सेस लिखा हुआ आएगा तो समझ लीजिएगा कि आपकी जो है यहाँ पर डीबीटी लिंक हो चुकी है आपके बैंक के साथ में, इंडियन ओवरसीज बैंक जो कि आपका था, आपने उसमें अपनी डीबीटी सक्सेसफुली लिंक कर ली है ऑनलाइन अपने घर बैठे। तो इस तरीके से जो है आप अपने घर बैठे ये काम कर सकते हो। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ना बैंक में जाना है ना कहीं जाना है, घर बैठे ये काम आप कर सकते हो इस वाली साइट पर आने के बाद में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।